भी लगाने दिया है। मुँह में बाल ज्यादा जा रहा है इसका, खाना कम जा रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं, रिश्तेदार। दीदी पहुंची है नेपाल से, पार से आई। देवर जी को शादी की बहुत बहुत बधाई और बहन के साथ। अच्छा फिल्टर लगाना है, फिल्टर बन के तो खुद ही आई है। और ये देखा लेडीज जो कैसे ही होते हैं, पूरा जाओ जाओ तुम लोग चलो। ये देखो ये लोग रोड में पहुंचने वाले हैं, आगे से निर्दी है और हर से इतना डर लग रहा है, इतना डेंजर रास्ता है यहाँ पे सीढ़ी। तो फिर दोस्तों हम लोग मेन गेट पे पहुंच गए हैं, हम जा रहे हैं पार्टी में। ये देखो कितना चढ़ाई काटना है और सीढ़ी सीढ़ी हर सीधा। देखो निर्दी कितना अड़ाबड़ी में, ढंग से तैयार भी नहीं है हम लोग। ये देखिए कितना चढ़ाई है ऊपर से, नीचे से आते आते थक गए थे हम लोग भी। अभी दीदी लोग आ रहे हैं, दुर्गा दी लोग। जगह बहुत खतरनाक यहाँ पे सीढ़ी। ये देखो हाँ टीका लगा, ये देखो यहाँ पे पीछे पड़ रखे हैं, अर्शी का टीका लगा रहे, नहीं लगाने दे रहे ये। लगा नहीं लगाने दे रहा है। मैं लगा, ये देखो लगाने दो, मम्मा मम्मा लगाएगी, खाना नहीं मिलेगा। इसको देख फिर, ये देखो इसके पीछे लग रखे बच्चे। चावल टॉपी मिलेगी ना इसको। हाँ दिखा अर्शी कैसा टीका लगाया दीदी लोगों ने। मैं भी देती हूँ, टॉपी पकड़ो। ये मैं दोस्तों हम लोग आए थे सिरबेट रखने के लिए, काफी भीड़ है और भूख के मारे हालत खराब होगी। तो पहले हम जा रहे हैं खाने के लिए, उसके बाद चढ़ाएंगे सिरबेट। ये देखिए यहाँ इतना डेंजर रास्ता रहा है और भयंकर लग रहा है। पिछली बार आए थे तो ये रास्ता भी था, इस बार बनाया गया। ये बार और नीचे वाले छत में जाना है हमें खाने के लिए। और ये देखो धारचूला कितना अच्छा लग रहा है आज अंदर से। ये हैं दूल्हे राजा, मेरे क्या लगते हैं यार देवर जी लगेंगे शायद। तो यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे अलग सा टेंट हाउस लगाया हुआ है। ये देखो बाबरे, ये देखो हम लोग अंदर ही अंदर जा रहे हैं, नीचे वाले छत पे जाना है खाने के लिए। और यार रास्ता काफी बगल में जाना है। ये हैं मम्मी जी जिनका मतलब की पार्टी था, आधे से लोग यहाँ पे शायद, मंडप यहाँ पे बनना था शायद। ये देखिए रास्ता देखिए डर लगे, वो ममता दी उन्हें यार। ये है ममता दी लोगों का घर और यहाँ है खाना पीने का व्यवस्था, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अरे प्रणाम, अरे प्रणाम नहीं अभी जा रहे हैं खाने के लिए। ये देखो बाबू कहाँ से कहाँ जाना पड़ रहा है। अरे निर्दी तेरे पछिल पछिल कैमरा मैन बाबरी ना सारा इतना सारा खाना किसके लिए लेके जा रहे थे। बहुत जगह इतना भयंकर है ना यहाँ का, बाय गॉड यार ऊपर जाए नीचे जाए कहाँ जाए। हाँ हाँ ये देखिए हम लोग आ गए थे छत में, यहाँ पे है खाना पीने का व्यवस्था। और ये दो इरोनिया कैसे करके खाना खा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो कसु ने बाल खुला कर रखा है और मुँह में बाल ज्यादा जा रहा है इसका, खाना कम जा रहा है। हंसते हंसते इसकी हालत खराब हो गई है यहाँ पे, कितना खा लिया। ये देखो फिर इसने बाप रे, बोल बोल यार, मुंह में इतना ठूस रखा है ना बोल नहीं पा रही है, गाल लाल लाल हो गया शर्म के मारे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से भीड़ है। और ये देखिए मतलब जगह थोड़ा दिक्कत है, और ऊपर वाले छत में था सिरबेट वाला, तो हम लोग वहाँ गए थे और अभी बहुत भीड़ था तो वापस आ गए। ये मेरे बड़े जिया जी भी यहाँ पे इतने टाइम से हैं, पता नहीं जिया जी यहाँ पे प्लेट साफ करने में है बेचारे। और यहाँ पे है खाना पीने का व्यवस्था। ये देखिए एक बार मैं पूरे छत में दिखा देती हूँ कितने सारे लोग हैं बोल के। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं, रिश्तेदार। तुम ये देखो यहाँ पे प्लेट डाल रहे जूठी, और दीदी ने भी खा लिया था। दीदी मेरे लिए भी लाओ ना, खुद अकेले अकेले है। बच्चे के लिए भी तो लाओ लाओ एक एक बार। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है गुलाब जामुन, ये भैया बांट रहे हैं यहाँ पे, एक एक मिल रहा है, दो दो मिल रहा है। तो निर्दी अभी इसको खिला रही है जामुन गुलाब, ऐसे गुलाब जामुन जामुन। ये देखो गुलाब जामुन खा रहे हैं, हाँ लेट ही करा। ये देखो अर्शु को कैसे करके खिला रहे हैं। हाँ यार बच्चे होने से इतना आफत ही आता है, देखो तो पहले बच्चे को ठूसो फिर मम्मी लोग, मम्मी फिर खुद खाती है। निर्दी खिला रही है अभी।
दो लेके आई थी, एक खुद के लिए एक हर्ष के लिए। हर्ष की डिमांड बढ़ गई है एक गुलाब जामुन खाने के बाद, और दूसरा चाहिए इसे। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है वहाँ। हाँ क्योंकि यार शादी में एक ही गुलाब जामुन मिलते हैं ना, सेकेंड वाला मुश्किल है यार। अर्शु पापा से शाम को लाना बोलना मार्केट से। क्या दुकान में नहीं है, दूसरे दुकान से बोलना ना। तो फिर दोस्तों अभी खा रहे हम लोग शादी की मिठाई, ये है गुलाब जामुन, और आधा खा लिया आधा खा रही हूँ। और पीछे दीदी लोग भी हैं यहाँ पे, दीदी लोगों ने पहले खाना पीना खा तो गए थके वहाँ पे, तो यार एक बार इसको खा लेती हूँ उसके बाद। तो दीदी है वो, दीदी खा रही है वो दुर्गा दी, और उसको इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। दुर्गा दी हाथ लगा रही है, खा रही हूँ बोलो ना। दोस्तों अभी हमें यहाँ पे नंदा दी लोग मिले और बहुत सारे लोग मिल रहे हैं अपने यहाँ पे पहचान वाले। खाओ खाओ आराम से खाओ। ये देखें यहाँ पे भी काफी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और दीदी पहुंची है नेपाल से, पार से आई। हाँ वो देखिए सीनरी कितना मस्त लग रहा है बिल्कुल। और ये देखिए सामने बता रहे हमें यहाँ पे शायद ससुर जी। हाँ मेरे ससुर जी लगते हैं शायद, अभी रिश्ते का पता नहीं है, अभी पता करेंगे। ये देखिए नेपाल कितना खूबसूरत लग रहा है, और काफी अच्छा मौसम भी अभी यहाँ पे। हाँ ये, हाँ ये देखिए ये है धारचूला का, ये इंडियन है ये वाला। हम लोग अभी ग्वालगांव में हैं और ससुर जी के छत में हैं, खाना पीने का व्यवस्था इनके छत में हो रहा है, और कल भी हुआ। जान पहचान अभी नहीं हुआ, जान पहचान लगा लेती वो पनीरी माथ इमर सिंह बिस्टर की वो एक चेल सबसे नॉर्मल। अच्छा ठीक है, पहचान पहचान लिया ना। ये रही हमारी भागो, हम लोग साथ ही पढ़ते थे। ये सासू है हमारी भाभी की मम्मी जी। प्रणाम। ठीक ठाक। हाँ चलो, हाँ सिर बेड भी रखना है यार, दोबारा जाते हैं वापस। ये देखो सब लोग पहले सिर बेड रखते हैं फिर जाके खाना खाते हैं, लेकिन हमने पहले खाना खाया फिर जा रहे हैं सिर बेड रखने के लिए। भी दिखा दे रही हूँ यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठ रखे हैं, अपने लोग हैं रिश्तेदार हैं, तो फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर सिर बेड रखने के लिए। सिर बेड रखे, सिर बेड रखे। ये देखो ये क्या बोल रही है, मेरे पीछे पड़ी है बोले। ये देखिए यहाँ पे नंदा दी, पता नहीं अभी आगे से क्यों नहीं खाया आपने। मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेहमान आगे खाएंगे करके, प्रीति का इंतजार कर दिया आगे आगे नहीं ब्लॉग। तो फिर ये देखिए पहले मेहमान, हाँ जीजा जी बोल रहे हैं ईंट बनाना ब्लॉग में बनाना बोल रहे। वो जो डांस करती है वो छोटी बच्ची कौन है? हाँ बाप रे दिया, मेरे गुण कहाँ से आए रहे हैं? नहीं हमें कहाँ कहाँ पहाड़ से चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है। ए रुक रुक, निर्दी पहाड़ चढ़ रही है, मैं इसका ब्लॉग बना रही हूँ पीछे पीछे से। ये देखो निर्दी मेरा खुदा ना पूछना था यार। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे सिर बेड रख रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिर बेटी रख रहे हैं यहाँ पे, अभी भीड़ कम हो गया यहाँ पे। कौन सी आई जी मिले छाना वाले का? कैसे देख रही है अपने पापा को? नाम क्या है आपका? हैं न्यू अरे। तो फिर दोस्तों हम लोगों ने सिर बेड चढ़ा दिया है और हम जा रहे हैं अब दूल्हा दुल्हन के वहाँ। शादी तो पहले हो गई थी, मतलब पार्टी ये दोबारा दे रहे हैं। तो फिर अब ये देखिए सिर बेड में हमें स्टॉल मिला और मतलब गामछे ऐसा है जिसमें। तो फिर हम लोग जा रहे हैं रूम पे, अभी आपको दिखाऊंगी दूल्हा दुल्हन मतलब मेरे देवर जी और दीदी बहन। देखिए इस कमरे के अंदर जाना था लेकिन अभी बहुत भीड़ है, इसके अंदर जा रहे हैं सब लोग दूबा डालने के लिए दूल्हा दुल्हन को। तो हमारा नंबर नहीं आ रखा है तो बाहर से ही अभी अभी जाएंगे। और ये हैं दूल्हा जी की मम्मी, ये हैं दूल्हा दुल्हन, अभी देंगे हम थोड़ी देर में बधाई। देखो दोनों सेम जैसे लग रहे हैं यहाँ पे। तो फिर सब लोग आशीर्वाद डाले डूबा डालने। देवर जी को शादी की बहुत बहुत बधाइयां, और बहन में साथ में कितने महीने हो गए थे शादी के? दोबारा पार्टी है ना ये? कैसा रखा, तो बारिश वारिश ही हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों की ना शक्ल ना मिल रही है बहुत ज्यादा। बहुत मिल रही है तभी की शादी। ये देखिए तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं और आधे से आधे लोग चले गए थे, तो मुझे तो दोनों की बहुत ही सेम शक्ल दिख रही है। फिर अभी चले गई है निर्दी दूबा डालने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगी और बगल पे तुलसी दी भी चलेगी। हम दोनों रोज लड़ाई करेंगे बोले। अभी देखिए ममता दीदी इतना घर नजदीक हो गए, सबसे लास्ट आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हो यार आप लोग हैं। नहीं यार वो हो रहा था ना क्या, वीडियो बना
अच्छा तो भी ममता दी यहाँ पे वो कर रही हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए हमारे पहाड़ में परंपरा होती है और पहले तो दूल्हे के गले में माला दिखता था, पैसे के अब तो दुल्हन के गले में भी दिखने लग गया बोला। ये है मेरा दी, क्योंकि जो सबसे खास खास जो होते हैं तो अपने भाई के लिए माला बनाने के लाते हैं। ये देखिए मीरा दी आई, वो क्या बोलते हैं ममता दी कितनी खुश हो रही है, एक थाली और सूट मिलके कितना खुश हो रही है, बोला कल ही सिला के पहन लेना। यार दोस्तों हम लोग भी जा रहे हैं अब, क्योंकि खाना आना तो खा लिया, सिर पेट भी चढ़ा दिया और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दे दिया है। छोटी भी रो रही है कितना दिन में, चल फिर चलते हैं यार। देखो ये अभी आ रहे हैं यहाँ से, अभी तक खाना खाने में थे कसु और ये पति जी। हर्ष को अच्छे से, अरे हर्ष मजा आया क्या खाया? कसु इधर आना, ऊपर का ब्लॉग तो बना के आ दे। तो ये देखिए यार हम घर जाने लगी और दीयू रानी अभी आ रही है और जितेंद्र ये रिया भी अभी आ रही है, दीदी भी अभी आ रही है, बच्चे स्कूल से अभी आए होंगे। आराम से चल आराम से। ये देखिए दोस्तों कितना रिस्क रास्ता है, अगर मैं ये देखिए बाबरे क्या डेंजर रास्ता है यार ये। अरे कसु कितना रुपए लूटा पापा को? 50। बाबरे 50 ऐसे बोलिए जैसे कि 50,000 बोलने लगी। तो भी दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रोड में, यहाँ पे लगा रखा है 20 रोड के सामने गेट आने जाने का, आगे आने टाइम ढंग से बना ही नहीं पाई। और ये देखो यहाँ पे है गाड़ियाँ चल रही है और जाम लग जाता है, काफ़ी पतली सड़क आप देख ही सकते हैं। तो भी हम लोग बहुत अंदर से पहुँच गए, पूरे सीढ़ी पार करके, गिना नहीं पता नहीं कितने सीढ़ी होंगे। अरसू थक गए। तो फिर दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रोड में और दीदी लोग फोटो खींच रहे हैं, तब जाके यहाँ पे वेट कर रही हूँ उनका। बस कहाँ जा रही है हीरोइन? बाप रे मजे हैं दोनों के। तो फिर बच गए हम लोग लास्ट, हम लोग पहुंच गए अपने घर के सीढ़ी के सामने। इधर क्या दिखा? कहाँ पे है? अभी देखिए इतना ऊंचा सीढ़ी काटना है यहाँ भी यार। देखो कैसे करके चल रहा है बेचारा हर्ष, आराम से चला हर्ष। ये देखिए ये पन्नी नहीं चाहिए क्या, सामान नहीं चाहिए क्या, निकालो निर्दित थक के बेचारी का हालत खराब हो गया, सांस लग रहा है।